राम रहीम तो गया जेल, अब रामपाल का क्या होगा? वैसे तो रामपाल पहले से ही जेल में है, लेकिन कोर्ट अब एक बार फिर से करेगा रामपाल के गुनाहों का हिसाब। गुरमीत सिंह को रेप के दो मामलों में 20 साल की जेल होने के बाद हिसार के बरवाला सद्लोक आश्रम के प्रमुख रामपाल की धड़कनें भी फिलहाल तेज हैं। खुद को भगवान बताने वाला रामपाल अब ये सोचकर डर रहा होगा कि आखिर उसका क्या होगा। जी हाँ, रामपाल के खिलाफ दर्ज दो अलग अलग मामलों में हिसार कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। खबर के मुताबिक अदालत सद्लोक आश्रम से जुड़े केस नंबर 426 और 427 में अपना फैसला सुनाएगी। इन दोनों मामलों में रामपाल समेत करीब 11 लोग आरोपी हैं। रामपाल पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और आश्रम के भीतर महिलाओं को बंधक बनाकर रखने का आरोप है। इससे पहले इसी महीने की 23 तारीख को रामपाल की कोर्ट में पेशी हुई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने केस नंबर 426 और 427 में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। रामपाल फिलहाल हिसार की सेंट्रल जेल में बंद है। दरअसल रामपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ दर्ज केसों की सुनवाई के लिए सेंट्रल जेल नंबर 1 में ही विशेष अदालत बनाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हिसार कोर्ट में पेशी के दौरान रामपाल के समर्थकों का हुजूम कोर्ट में जमा हो जाता था, जिससे पुलिस प्रशासन को काफी मुश्किलें होती थी। उधर मामले की सुनवाई को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हिसार में धारा 144 लगा दी गई है और शहर को पूरी तरह सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुरमीत के चलते जिस तरह के हालात हरियाणा में पैदा हुए थे, उसी तरह साल 2014 में भी हिसार के सद्लोक आश्रम में जमकर हिंसा हुई थी। पेशी से बचने के लिए रामपाल के समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया था। आश्रम में हुई उस हिंसा में करीब 5 महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। उसके बाद से ही रामपाल जेल में बंद है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।